हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। अंजू जी ने कहा था दी आप तैयार होया करें, तभी थोड़ा सा आप दिखा दिया करें। तो देखिए, हमारे तैयार होने में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं। ठंड का मौसम है तो कोल्ड क्रीम लग जाती है, गर्मी का मौसम होता है तो गुलाब जल लग जाता है। तो ये हो जाता है सबसे पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे में बिंदी हो जाती है, तीसरे में होठ पे लिप बाम हो जाता है, और उसके बाद लिप बाम को हल्का सा टैप टैप कर देते हैं ताकि ड्राई हो जाए। और ये मैट लिपस्टिक होती है जो अभी आप लोगों ने कई बार इसका पूछा था। लैक्मी का ही सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। देखिए, सामान कम ही रखो लेकिन हाँ अच्छा रखो, ताकि वो स्किन पे लगाने से उसका कोई साइड इफेक्ट ना रहे। तो लक्मी का काजल, लक्मी की लिपस्टिक, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे लक्मी के होते हैं, जैसे काजल वगैरह, लिपस्टिक वगैरह। और बिंदी बिंदी तो आप जब लोग जानते हैं शिल्पा की होती है, या फिर डिब्बी वाली ज़्यादा बिंदियाँ लगाते हैं। और सिंदूर भी इस बार लक्मी वाला ही लाए हैं। ये ड्राई वाला जो होता है ना, ये भी काफ़ी अच्छा होता है सिंदूर। मुझे ड्राई ज़्यादा पसंद होता है, लिक्विड वाले से अच्छा होता है। लिक्विड क्या होता है ना, वो गर्मी में लगाने के लिए होता है। और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल बन के तैयार हो चुका है। मिरर लगा था, बड़ा ही शौक था मुझे ड्रेसिंग टेबल का, मिरर के सामने बैठ के इस तरीके से तैयार होने का। और सारा सामान इसमें आप आराम से रख सकती हैं। बस हो गया मेकअप, और उसके बाद चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। और ये हमारा नया वाला मंदिर भी बन चुका है। मंदिर में हमने कहा था ना कि इसमें दरवाजे लगा के अच्छे से बड़ा सा मंदिर बनाना, लेकिन ये मिस्त्री को इतनी जल्दबाजी थी, इतनी जल्दबाजी थी कि क्या ही बताएं। बस इसी तरीके से मंदिर बना दिए हैं किसी तरीके से। तो हमने क्या किया कि बोल दिया था कि अच्छा आप दरवाज़ा नहीं लगाए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम दोनों तरफ कीली लगा दो और उसकी तरफ हम पर्दा लगा देंगे, अपना आराम से भगवान जी दोपहर के टाइम और शाम के टाइम सोएंगे। तो मिस्त्री का सारा काम जल्दबाजी में हुआ, पूजा पाठ हो चुकी है भगवान के सामने। और मंदिर जो है ना, सुबह खुल जाता है, फिर दोपहर को पर्दा गिर जाता है, और उसके बाद फिर शाम की पूजा पाठ के बाद फिर से 8 बजे 9 बजे तक मंदिर का पर्दा ढक देते हैं भगवान जी के। अभी इसमें बहुत सारे काम हैं, मतलब अभी ओम ओम लगाना है, शुभ लाभ बनाना है। और यहाँ पे मिक्स वेज की सब्जी कट की है, ढेर सारी सब्जियां ना बची हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके सब्जियां बची थी। तो इन सब्जियों को अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं था, थोड़ी थोड़ी बची थी, थोड़ी सी बीन्स, गाजर, थोड़ी सी गोभी और शिमला मिर्च थी। तो हमने सोचा चलो आज मिक्स वेज बना देते हैं। कभी नहीं बनता मिक्स वेज मेरे घर में, ज़्यादातर सब्जियाँ अलग अलग ही बनती थी। और यकीन मानिए, इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी कि मतलब खा करके मज़ा आ गया। और स्नान करके पूजा करके तुरंत किचन में आ चुके थे सब्जियों की कटिंग चॉपिंग करना, क्योंकि बच्चों का स्कूल था आज, छुट्टी होने के बावजूद उनके स्कूल में फंक्शन था, फेड था, तो वो लोग गए। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है। जब आप सूखी सब्जी बनाएं तो कढ़ाई जो है ना, आप थोड़ी सी मोटे तले की चढ़ाएं। तो सूखी लाल मिर्च, जीरा डाल दिया है, प्याज और हरी मिर्च का तड़का डाल दिया है। इसको अच्छे से सौते करेंगे और भुनेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे जो सब्जियां हमने कट करके रखी है। इसको जब भी सब्जियां आप छौंके ना, इसको हल्का सा भूने, मतलब तुरंत पानी, सॉरी तुरंत आप इसमें मसाला, नमक वगैरह ये सब ना डाल दें। सबसे पहले आप सब्जियों को भूनते रहें, अच्छे से भूनने के बाद ही इसमें मसाले ऐड करें। तो सब्जियों को भून करके हम इसको ढक देते हैं, ये हल्की सी पकेगी, इसका क्रिस्पीपना आ जाता है। जब सब्जियों में आप नमक डाल देते हैं ना, सब्जियाँ पानी छोड़ देती है, तो फिर वो क्रिस्पीपना नहीं आता, सोंधापन जिसको कहते हैं वो नहीं आता है। और अपने लिए जो एक हाउस वाइफ होती है ना, कभी नहीं सोचती, मजाल है कि अपने लिए मतलब वो कुछ सोच ले और हो जाए। सबसे पहले वो उठ के सबसे पहले परिवार के लिए जुट जाती है। जैसे आप मुझे देख लीजिए, सुबह से उठ के झाड़ू पोछा में जुटे थे, चाय पानी सबको बना के दिया, अपना गर्म पानी पिया सिर्फ, उसके बाद स्नान करके आने के बाद हमने नाश्ता भी नहीं किया, स्किप किया कि सबसे पहले सब्जी वगैरह बना देते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो देखिए, झाड़ू पोछा करने में ना टाइम लग जाता है, घंटे 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। इसमें मसाला ऐड कर दिया है, वही सब्जी मसाला, किचन किंग, नमक, हल्दी, होममेड मसाला, सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इनको अच्छे से मिक्स कर दें एक बार। और मिक्स करने के बाद इनको फिर थोड़ी देर के लिए ढक दें, ढक करके आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, चाहे तो आप खुले में भी पका सकती हैं। और मुझे ना थोड़ा सा चावल बनाना था, वैसे सूखी सब्जी के साथ कोई चावल खाता नहीं, लेकिन थोड़ी सी कढ़ी रखी थी तो हमने सोचा चलो चावल बना देते हैं। दाल बनाने का कोई मतलब ही नहीं था जब कढ़ी बची थी, क्योंकि मुझे पता था दाल तो कोई खाएगा ही खाएगा नहीं, कढ़ी मेरे घर में बहुत पसंद होती है, 2 बार 3 बार बच्चे खाते हैं। और मेरा मन तो कभी कभी होता है ना दाल सब्जी ना ही बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में दूध, दही, कढ़ी वगैरह इस सब चीज़ों से सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्जी बन चुकी थी, आटा गूंथ के रख दिया था, पैर ठंडे हो रहे थे और भूख भी थोड़ी बहुत लगी थी, तो हमने सोचा चलो सब्जी हमारी पकती रहेगी और चावल भी चढ़ा दिया, आटा गूंथा हुआ है, तो ये नाश्ता कर लेते हैं।
सेब कट करके, बाकी तो काम होते रहेंगे। और हाँ, इसमें हमने टमाटर भी डाल दिया था, एक कट करके टमाटर डाल दिया था। आप धनिया की पत्ती आज थी नहीं, और देखिए कितनी बढ़िया कलरफुल सब्जी लग रही है ना, खाने में भी बहुत बढ़िया थी। आप ज़्यादा मतलब इस बार हमारे घर पर ठंडी में ना बहुत ही कम ग्रेवी वाली सब्जी बनी, जैसे मसाले वाले। और यहाँ पर हमने सेब लिया है, हीटर के पास बैठ गए हैं, थोड़ा सा हाथ पैर सेकेंगे, और ठंड ना बिल्कुल कम हो गई है। एकाएक ठंड मतलब 15-20 दिन तो पड़ी, उसके बाद अपने आप एकाएक ठंड कम हो चुकी है। देखिए स्वेटर हमने नहीं पहना था, ये वाला कुर्ता काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और तो हमने सोचा चलो अब ये निकाल लेते हैं। पूरी ठंडी ना ऊनी कपड़े मतलब ऊनी कुर्ते ही पहन रखे थे। और उसके बाद यहाँ से हीटर से उठे, सबको रोटियाँ बनाई दिया फटाफट से। और ये लोग ना वीडियो में आते भी नहीं हैं, इन लोगों को बहुत वो रहता है मतलब जल्दबाजी हर काम में होती है, तो हमने सोचा चलो भाई। और मेरी कॉलोनी में ना देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है, कितना सुंदर लग रहा है, सफाई होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ साफ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 12:10 हो रहे हैं, और अभी जाके किचन से फुर्सत हुए हैं। आज सुबह से ही किचन में जुट गए थे, वैसे ज्यादा काम तो नहीं था किचन में, लेकिन छुट्टी होने के नाते हमने सोचा चलो झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद जो है कुकिंग का काम करेंगे। आज छुट्टी थी, लेकिन बच्चों का स्कूल में आज फेड है, फंक्शन है, तो दोनों बच्चे अपने पापा के साथ गए हैं, और मैं किचन का काम फटाफट से, हमने सोचा कि चलो भाई कुछ बना देते हैं, बच्चे खा के जाएंगे। वैसे आज उनके स्कूल में ना खाने पीने को फंक्शन में मिलेगा, मतलब मेला टाइप में लगा है, वहाँ पे सब कुछ एक कूपन मिलेगा, जिसकी कूपन से वो लोग खरीद के पानी पूरी, मुरमुरा, भेल पूरी जो इसको कहते हैं, वो पाव भाजी, मतलब तरह तरह के वहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे खाने पीने का, बाकी डांस का प्रोग्राम होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। तो फंक्शन था, बच्चों को सुबह ही जाना था 8 बजे, लेकिन बच्चों की बस छूट गई, जिसकी वजह से उन्होंने उनके पापा बोले कि चलो हम लेके चलते हैं। जाना तो मुझे भी था, मैंने सोचा था बच्चे बस से चले जाएंगे तो मैं इनके साथ चले जाऊंगी, लेकिन जब बस छूट गई तो ये बच्चों को लेके गए हैं। इन्होंने बोला कि आके तुमको ले चलूं, हमने कहा नहीं भाई, 3-4 बार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, माता जाए पिता जाए दोनों में से एक के जाना, एक का जाना जरूरी था, तो एक लोग चले गए हैं। और अभी दोपहर के 12:10 हो रहे थे, गेहूं फैलाया है, गेहूं रखाना होता है, इतना ज्यादा आतंक मचा देती हैं गिलहरियां ना, जितना खाती हैं, खाने से तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब खाएं, लेकिन उससे ज्यादा मिट्टी में छीट देती हैं, तो वो मतलब अनाज मिट्टी में जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी वजह से वहीं पे बैठ के गेहूं रखा रहे थे। अभी 12:10 हो रहे थे, तो हमने सोचा निकलते निकलते किचन से आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं। 1 बजे खाना खाते हैं, तो अभी 1 बजे खाएंगे। मिक्स वेज आज बना था, सारी सब्जियां थोड़ी 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 करके बची थी, तो हमने सोचा चलो मिक्स वेज बना लेते हैं, हालांकि धनिया की पत्ती भी खत्म हो रखी थी। तो गए हैं, झोला दे दिया है सब्जी का, उधर से मार्केट से आते समय सब्जी भी लेके आएंगे। और आज बनी थी, थोड़ा सा चावल बना दिया था, कढ़ी बची हुई थी ना, तो कढ़ी चावल थोड़ा 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 सब्जी मिक्स वेज यही खा के गए हैं। सलाद आजकल खीरा बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है, हल्का फुल्का मूली खा लेते हैं, या फिर चुकंदर भी रखा है उसको खा लेते हैं। अब खाने से क्या बताएं, आप लोग सोचते होंगे कि इतनी तो मोटी है प्रतिमा, पर खाती भी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मतलब कि 2 रोटी के सिवा एक बार दोपहर में खा लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मूंगफली खा लेते हैं, कुछ भी नहीं खाते, लेकिन पता नहीं कहाँ से दिन दूना रात चौगुना ये मोटापा बढ़ता चला आ रहा है, मुझे कभी कभी खुद नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ से आता है। हालांकि ये वाला सूट बहुत मतलब पहले का है, जब बहुत मोटे हुआ करते थे, शायद इसको ना पहले कभी पहनते भी नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि भाई रखे रखे एकदम से नया नया कुर्ता है तो निकाल लेते हैं, इसको पहनते हैं ना तो ये और ढीला ढाला है, और भी मोटे लगते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, जैसा भी है, मोटे पतले तो लगे रहते हैं, हमसे भी मोटे मोटे लोग हैं, क्या करें, परेशान होंगे तो फिर परेशान हो ही जाएंगे, मोटापा से अलग बीमारी हो जाएगी, जिस दिन रात सोचने की मोटे हैं मोटे हैं मोटे हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से सीधा खाना खाते समय, बैठ के अपना आराम से थोड़ा मोबाइल का काम निपटाते हैं, थोड़ा मोबाइल देखते हैं, और गेहूं रखाते रहेंगे, और बाकी तो सब लोग अपने अपने काम से ड्यूटी से चले गए हैं। पूछते हैं आप अकेले क्यों खाते हो, तो सभी लोग अपने खा पी के टाइम से चले जाते हैं, जैसे कोई ऑफिस चला जाता है, कोई स्कूल चला जाता है, या फिर कोई का टाइम नहीं रहता दिन में सबका खाने का, सब सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम सबका खाने का एक साथ फिक्स रहता है। और यहाँ पे शाम के टाइम ना थोड़ी सी मूँगफली ली है, मूँगफली और ये जो गुड़ आया था तिल वाला, इसमें बहुत अच्छा लगता है, तिल पड़ा हुआ है और इसमें ना थोड़ा सा सौंठ पड़ी हुई है, काजू मूंगफली पड़ा हुआ। और शाम के टाइम मार्केट निकल गए थे साग सब्जी लानी थी, और वैसे भी चले गए थे, दिन भर घर में रहते थे, तो बाज़ार जाने के बाद पता चला कि तिब्बत मार्केट लगी हुई है, स्वेटर का, साल वगैरह, टोपी वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है, जो भी आप खरीदें तिब्बती मार्केट होती है, यहाँ पे ऊनी कपड़े ही लगते हैं, ये कचहरी में लगती है पूरा एक से लेके 3 महीने तक लगती है, मतलब ठंड जैसे शुरू होती है तब तक लगती है।
और मुझे तो ये लगता है जनवरी फरवरी, फरवरी शायद तक रहती है, स्वेटर ही स्वेटर मिलेंगे आपको, मतलब गर्म कपड़े मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो। हालांकि हमने दोनों बच्चों के लिए एक एक टोपी ली क्योंकि दोनों बच्चों के पास टोपी नहीं थी। फिलहाल घर ठंडी तो जा चुकी है, लेकिन हमने सोचा कि ठंड के मौसम में जब ऊनी कपड़े खरीदे हो तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और जब ठंड जाने लगे तब आप कपड़े खरीदो तो उसके आधे दाम में मिलते हैं। बस साग सब्जी लिया और दो टोपी लिया बच्चों के लिए। आज मल्टीग्रेन आटा लिया था, हाँ मल्टीग्रेन आटा पतंजलि का लिया था, हमने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। और उसके बाद लौट चुके हैं, ये है हमारा पंत पार्क, DDU के ठीक सामने पंत पार्क है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है शाम के टाइम जब लाइट जा। और घर आने के बाद बस वही खाना पीना बनाया, ये देखिए मल्टीग्रेन आटा है, इसमें 9 अनाज का मिक्स है। और इसी के साथ ना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, और ये आटा जब खोलेंगे ना इसकी रोटी बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।